ऑल वेलकम टू माय चैनल. ओके, तो आपको भी लोकेशन देख के लग ही रहा होगा कि मैं कहीं बाहर आई हूँ. तो मैं अपने सब फ्रेंड्स लोग के साथ आई हूँ वायनाड. तो ये केरला में पड़ता है. तो एक्चुअली हमने जो रिजॉर्ट बुक किया है, इस रिजॉर्ट का नाम है ली कॉफ़ी रिजॉर्ट. मैं आगे अपनी वीडियो में आपको सब एक्सप्लेन करूँगी कि क्या है, कैसा है, मेरा कैसे एक्सपीरियंस था, क्योंकि अभी मैं सुबह ही आई हूँ तो अभी मैं इतना जल्दी अपना एक्सपीरियंस नहीं शेयर कर पाऊँगी. एंड ये पड़ता है सुल्तान बथेरी में, जो यहाँ पे एरिया है लाइक यहीं पास में, काफ़ी यहाँ पे मार्केट्स हैं. तो अभी हम सब रेडी हो गए हैं एंड मैं भी रेडी हूँ, मेरे फ्रेंड्स भी रेडी है. तो हम जा रहे हैं एडिकल केव्स. ओके, यहाँ पे पास ही में लाइक जहाँ मैं स्टे कर रही हूँ वहाँ से आई थिंक 12 किलोमीटर्स ही हैं. तो देखते हैं बाहर क्या हमें कन्विंस मिलेगा. तो आपको ना एक क्विक अपना रिजॉर्ट टूर दे देती हूँ कि कैसा है. यहाँ पे मेन एंट्री एरिया है लाइक द रिसेप्शन, एंड देन यहाँ पे लाइक रिजॉर्ट्स हैं, लाइक रूम्स हैं रहने के लिए, एंड इधर भी हैं रूम्स रहने के लिए. एंड इधर लाइक काफ़ी अच्छा है, एंड ये सिटी से ना काफ़ी मतलब बहुत शांति है यहाँ पे जो मुझे लगा. एंड यहाँ पे बहुत अच्छा सा पूल भी है, एंड क्वाइट अच्छा है, क्लीन भी है काफ़ी पूल यहाँ का. एंड बहुत अच्छी ग्रीनरी है, पेड़ है, अच्छा लग रहा है. वेदर इज़ ओके, अभी तो थोड़ी गर्म. ओके, तो ये मेन एंट्री है रिजॉर्ट की, एंड इस तरह का है. एंड अभी तो वेदर बहुत अच्छा हो गया है, थोड़ा इतनी धूप नहीं है, यहाँ पे वेदर अच्छा ही रहता है, एंड काफ़ी शांति है यहाँ पे जो मुझे सबसे अच्छा लगा. ओके, सो ये मेन रिसेप्शन एरिया है यहाँ का. सो गाइस, मेरे फ्रेंड्स रेडी है एंड वी आर गोइंग टू लीव. सो चलिए साथ में चलते. ओके, तो मैंने ये ऊपर से ये शर्ट पहन ली, बहुत धूप हो रही है यहाँ पे, तो आई डोंट वांट कि मुझे टैनिंग हो, है. तो अभी क्या, हम लोग को बहुत तेज़ भूख लग रही है, तो वही हम लोग को सर्च कर रहे हैं कि आसपास कुछ अच्छा हम लोग को खाने को मिल जाए. लेट्स सी, क्योंकि हम वो डोसा खा के तो बहुत बोर हो गए हैं. दे आर दैट सेम डोसा उत्तपम, लेट्स सी कुछ अलग मिले, कुछ नॉर्थ इंडियन टच का मिले. ओके, तो हमें ना यहाँ पे एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट मिला है, तो ऑप्शन में हमें एक डोसा ही समझ आया है जो हम खा सकें. तो हम सब लोग अभी तो डोसा खा रहे हैं, एंड टेस्ट इज़ लाइक नॉर्मल डोसा जो है सब जगह का. श्रुति कैसा है डोसा, बढ़िया है प्रिया? ओके, तो हम ट्रैवलर में बैठ गए. एक्चुअली हमने ना होटल से ही अपनी ट्रैवलर बुक कर ली थी, तो इनका ये था कि एक पैकेज है अराउंड 4000 का, एंड उसमें वो हमें चार से पांच चीज़ें आसपास की घुमाएंगे. तो ये हमें थोड़ा कन्वीनियंट भी लगा क्योंकि बाहर बहुत धूप हो रही है, तो ये एक बेटर ऑप्शन था. तो हम लोग ना केव्स की लोकेशन पे पहुंच गए थे, एंड ये कुछ स्टार्टिंग की एंट्री थी, एंड इसमें काफ़ी हमें ट्रैक करके जाना था. एंड यहाँ का ट्रैक बिल्कुल भी इजी नहीं था क्योंकि काफ़ी स्टीप था, काफ़ी ऊंचाई पे था, तो चलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, एंड मेरी तो बहुत सांस फूल रही थी. एंड जब हम रास्ते में चल रहे थे ना, तो साइड में ऐसी बहुत सारी शॉप्स थी यहाँ पे, जिन पे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें मिल रही थी. जैसे यहाँ पे ना स्पाइसेस मिल रही थी, देन उसके थोड़े आगे गए तो गिफ्टिंग के ऑप्शंस कुछ मिल रहे थे. एंड यहाँ पे देखिए, ये सब ना जो ड्राई फ्रूट्स नहीं होते उनको जो ड्राई करके रखते हैं, एंड ये सब यहाँ पे बहुत मिल रहा था. तो हमने थोड़ा सा चेकआउट किया कि हाँ ठीक है, क्या है डिफरेंट स्टेट में, क्या क्या मिलता है. देन यहाँ पे देखिए, पूरी यहाँ पे ना हैंडमेड चॉकलेट्स का पूरा यहाँ पे जो शॉप्स थी, एंड काफ़ी गिफ्टिंग ऑप्शंस भी थे यहाँ पे. थोड़ा और आगे बढ़े तो यहाँ पे ना बहुत अच्छी सी ऐसी पेंटिंग्स मिल रही थी, एंड देन ये व्यू था, अच्छा था व्यू. एंड ऐसे ही मतलब ऐसे ही सब जगह जंगल जंगल जैसा फील था, तो अच्छा. तो ये इधर हमें टिकट मिल रही है, एंड टिकट प्राइजेस है अडल्ट 50 एंड चिल्ड्रन 30 रुपीज़. तो आई थिंक केव्स की एंट्री के प्राइजेस है. कि हमें उस, आप जो ऊपर देख रहे हो वो एकदम हाइट में जूम करती हूँ, वो जो हाइट का है ना, हमें वहाँ पे पूरा चढ़ के जाना है. ये पूरा ट्रैक है दैट वी नीड टू कवर. अब ये ऐसे स्टेयर्स वाला ट्रैक स्टार्ट है, अब तक वो स्टीप स्लोप था, नाउ ये स्टेयर्स हैं. ये कुछ 300 स्टेयर्स हैं जो हमें कवर करनी है, एंड बहुत ज़्यादा है ये. तो मेरी हालत बहुत पहले से ख़राब है, आप देख रहे हो मेरी सांस कितनी फूल रही है, बट ट्रैक पूरा करना ही है अब जब आए हैं. तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे कैसे यहाँ पे रास्ते हैं. ऐसे हमें क्रॉस करके जाना है, बट इन्होंने स्टेयर्स बनाई हुई हैं तो आई थिंक इतना टफ नहीं होगा. तो ये केव की एंट्री है, एंड बहुत पतला सा ही रास्ता है. मैं चढ़ लूँ फिर रिकॉर्ड करती हूँ कहीं गिरी ना जाओ कैमरा ले. ओके, तो ये हम लोग अंदर आ गए केव्स के, एंड ऐसे पूरा ये पत्थर है कि पूरा रास्ता है. थोड़ी स्मेल अच्छी नहीं आ रही है यहाँ से क्योंकि बंद क्लोज क्लोज एरिया है. तो चलिए अंदर चलते हैं इसके और देखते हैं और क्या क्या है. तो गाइज ये सीढ़ियाँ हैं,
और यहाँ पे सबकी हालत ख़राब है, बहुत गंदी स्मेल आ रही है। स्टिल शी इज़ रिकॉर्डिंग फॉर यू गाइस। ज़्यादा हो रही थी, देखिए पूरी हालत ख़राब हो गई चढ़ चढ़ के। ओके, तो फाइनली हम ऊपर चल के आ गए सारी सीढ़ियाँ पार करके। तो दिस इज़ दी व्यू फ्रॉम दी टॉप, एंड यहाँ थोड़ा बेटर है, इतनी गर्मी नहीं है तो थोड़ा सही लग रहा है यहाँ पे। तो अब ना हम लोग ये दूसरे केव के सेक्शन में गए थे। एक्चुअली मेन केव्स यही हैं जहाँ पे कहते हैं जो अर्ली मैन लोग रहते थे यहाँ पे। लाइक ये काफ़ी पुराने केव्स हैं, 3000 to 6000 years पुराने, एंड काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे जाके। पूरा एकदम फील आ रहा था, एकदम रियल केव्स टाइप ही लग रहे थे यहाँ पे, कि कैसे पुराने लोग रहते थे यहाँ पे। एंड काफ़ी लाइक एवरीथिंग वाज सो रॉ एंड ब्यूटीफुल कि अच्छा लग रहा था बाद में इसको व्यू करके। देन हम लोग अंदर गए ना, तो वहाँ पे हम लोग ने गाइड कर लिया था, एंड गाइड ने हमें बहुत अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन किया था। तो नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ गाइड ने हमें क्या क्या बताया था। Actually, two caves are here, lower and upper. This is upper. Lower, you just pass there, nothing is there. This cave name, Adakkal. Adakkal is the Malayalam word or local language. That means in between stone. Eda, in between, Kal means stone. This cave formed naturally due to the earthquake before 30,000 years back. One rock separated, two caves, naturally separation. 30,000 years. Yeah, 30,000, 6,000 years old, new stone age or Neolithic people lived here. They did this oval pitches. Still we can understand only 20% now. See the main figure. Tribal chief or tribal king, face, crown, hands, legs, and like this. Okay? Front view, back view. Lady, child. See? So one peacock, neck and body, above the circle. Round figure, sun, sun is the god. See the another one, that is a human face, eyes and nose. Then elephant, tail, back leg, front leg, trunk, etc. Elephant. Lady figure using geometrical figures, triangle and squares. These are 6,000 years old pictures. Come. Come, please. See, not couple is there, they may not be holding or dancing. See? These are this. Can you see? Yeah. Then one more lady figure standing on a cart, wheel cart, a pole, push cart, pushing the cart. Stone tools or stone axes, bond arrow, knife, etc. These are belong to 3000, first set 6000. Different time, different. Come. After we can see two old languages, first is Tamil and second old Sanskrit. Both are same period, 2300 years old. Sanskrit is Tamil. Yeah, first is Tamil, then second is Sanskrit. First name Tamil means a man who killed a lot of tigers. A man killed many tigers. Second name Sanskrit, that means a famous king Vishnu Varma lived here. Which king? King Vishnu Varma. Vishnu Varma. Different time, different group of people lived. Actually not a cave. This is a Neolithic rock shelter. This cave height above sea level 4,000 feet. And discovered 1894 Malabar Police Superintendent Frederick Fawcett. He discovered this cave. Please come, come in. Top to bottom, say width. सो हमारी एडिकल केव्स की ट्रैकिंग खत्म हो गई, एंड मजा आया। एंड जो गाइड ने पूरा हमें 6000 ईयर्स अगो एंड 4000 ईयर अगो का जो पूरा एक्सप्लेन किया, काफ़ी मज़ा आया सुन के, बिकॉज ये हिस्टोरिकल चीज़ें देखने में सुनने में मज़ा आती है। सो लेट्स सी कि अब नेक्स्ट हम कहाँ जाते हैं एंड कहाँ का प्लान है। तो चलिए अब नेक्स्ट लोकेशन पे चलते हैं। यहाँ पे ऐसे लोग कॉफ़ी ना, ये लोग यहाँ की नेचुरल कॉफ़ी है, तो ये पूरा ऐसे मशीन में ब्रू करके देते हैं, एंड आई थिंक दिस कॉस्ट फॉर 50 रुपीज़। पूरा ऐसे मशीन में जाती है एंड ऐसी डब्बी में, इसी डब्बी में ये लोग कॉफ़ी, नेचुरल कॉफी ना, ऐसे ये मैग्नेट्स मिल रहे हैं जो कि फ्रिज में लगते हैं। तो हम सोच रहे हैं कुछ बाय करें, ये बहुत प्यारा लग रहा है, तो लेट्स बाय दिस वन। और कौन सा लें, यू कैन बाय दिस वन, है ना, कुछ एक और ये बाय करते हैं।
उसी शॉप में आए हैं। यहाँ पे भी बहुत प्यारे प्यारे से ये लाइक स्टिकॉन्स मिल रहे हैं जो हम फ्रिज में लगा सकते हैं। इट्स वेरी गुड फॉर गिफ्टिंग। तो मैंने तो ना तीन तीन ले लिए हैं, लाइक मैं तो सब फ्रेंड्स को गिफ्ट करूँगी। क्योंकि मैंने ना टेंडो कोकोनट वाली आइसक्रीम ली, कह तो रहे थे हैंडमेड है एंड अच्छी है, बस मीठा थोड़ा ज़्यादा है, बट हम अच्छी है। मैंने ये फ्लेवर कभी नहीं खाया था टेंडो कोकोनट, सो इट्स गुड। सो अब हम आ गए अपनी सेकंड लोकेशन पे जो कि है काजापूजा डैम। ओके, तो यहाँ पे ना काफ़ी कुछ है करने को। आई थिंक यहाँ पे एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी बहुत सारी हैं करने को। एंड यहाँ पे सामने दिख रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ, केरला लॉन्गेस्ट जिप लाइन। तो सी हम मैं देखती हूँ यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। अभी वेदर बहुत अच्छा हो गया, आप देख सकते हैं कितना प्यारे सब ग्रीन बहुत अच्छा लग रहा है एंड स्काई। तो लेट्स सी कि हम और क्या क्या यहाँ पे घूम सकते हैं एंड देखते हैं कोई फन स्पोर्ट एक्टिविटी भी करते हैं। तो लेट्स गो। ओके, यहाँ पे ये ट्रैम्पोलिन पार्क है एंड देन आगे चलते हैं। वो देखिए वहाँ पे उनने एक छोटा सा ट्री हाउस बनाया है एंड यहाँ पे कुछ बच्चों के लिए झूले भी लगे हैं। ओके, सो ये है डैम का रास्ता एंड ऐसा ये पाथ है एंड वो उधर जाके आई गेस डैम है। तो चलते हैं डैम के पास और देखते हैं। लेक एंड डैम उधर है, उधर जाके वहाँ तो आई थिंक जाना अलाउ नहीं है, बट यही है पूरा इसका जो ये लेक एंड यहाँ पे आके इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है शाम के टाइम में यहाँ पे आना। सो ये था एंड डे वन का एंड होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक शेयर कॉमेंट एंड स्टे ट्यून्ड। में आगे चल के और ज़्यादा आपके लिए ट्रैवल वीडियोज़ लेके आने वाली हूँ। टिल देन टेक केयर, बाय।